पिछोर में आज नवदुर्गा महोत्सव को लेकर जनपद कार्यालय से सभागार में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। पिछोर नगर में नवदुर्गा महोत्सव को लेकर एसडीओपी प्रशांत शर्मा के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रशासनिक अधिकारी, तहसीलदार शिवशंकर गुर्जर, थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह, नगर परिषद सीएमओ आनंद शर्मा, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, पत्रकारगण और नवदुर्गा समितियों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि मंडल उपस्थित रहे। नगर में नवदुर्गा महोत्सव शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए और किसी भी तरह का कोई विवाद न हो, इसको लेकर एसडीओपी प्रशांत शर्मा ने शांति समिति की बैठक का आयोजन किया। बैठक में नवदुर्गा महोत्सव समितियों के सदस्यों को निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी नवदुर्गा समिति के सदस्य तेज आवाज वाले डीजे बैंड चल समारोह में लेकर न आए, जिससे कि आम जनता को समस्या हो। नवदुर्गा महोत्सव का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए और विसर्जन वाले दिन चल समारोह में किसी भी तरह का कोई वाद विवाद न हो। तेज डीजे बैंड बजता हुआ नजर आया तो समिति और डीजे बैंड वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह एसडीओपी प्रशांत शर्मा के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। सचिन राज भट्ट की रिपोर्ट। सर, आज शांति समिति की बैठक ली गई नवदुर्गा महोत्सव को लेकर, किस तरह के आपने निर्देश दिए, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, आज जनपद पंचायत सभागार में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें तहसीलदार साहब, सीएमओ साहब और नगर के गणमान्य नागरिक और जो झांकी समिति के आयोजक हैं, उनकी बैठक यहाँ पर रखी गई थी। तो प्रशासन ने उनसे यही अपेक्षा की है कि ये जो त्यौहार है बिल्कुल शांति सद्भावपूर्ण मनाया जाए और जो चल समारोह रहेगा उसमें जो डीजे की आवाज़ है वो इस सीमा तक ही बजाई जाएगी और प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा। इसी संबंध में जो बिंदु थे उन पर चर्चा की गई है और हमारा सभी आयोजकों से यही कहना है कि प्रशासन आपके सहयोग के लिए अग्रसर है, आप भी प्रशासन का सहयोग करें। सर, जो तेज डीजे उन पर कार्रवाई की जाएगी इस बार, ऐसा? जी, मैंने सभी से ये आग्रह किया है कि आप कोशिश करें कि जो निर्धारित डेसीबल है उस पर ही डीजे बजाएं, यदि उससे आगे की सीमा पार होती है तो जो कोलार अधिनियम के तहत कार्रवाई है वो प्रशासन द्वारा की जाएगी। सर, गणेश विसर्जन के दौरान देखा गया कि